नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश, आप सभी का एक बार फिर से हम भारत के लोग एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, दिया बत्ती नहीं दिमाग की बत्ती जलाओ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान की। उन्होंने कहा है कि आज रात्रि 9:09 तक आप दिया बत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए, मोबाइल का फ्लैश जलाइए। महाराष्ट्र के कई मंत्रियों ने इसकी खुलकर निंदा की, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेन आह्वान ने देखिए क्या कुछ कहा, उसके बाद हम अगली चर्चा करेंगे। उम्मीद ये थी आज कि पंत प्रधान ये बोलेंगे कि दवाई कम नहीं मिलेगी, हमारे जो मजदूर है वो भूखे पेट नहीं सोएंगे, यहाँ पे जो बीमारी का असर हुए लोग है उनको हम बीमारी से बाहर निकालेंगे, हम कोई भी औषध की कोई भी दवाइयों की कमी नहीं होने देंगे, भारत में भूखे पेट कोई नहीं सोएगा, भारत का गरीब, उनका सहारा, उनका माए बाप मैं बैठा हूं, ऐसे स्वयं मोदी जी कहेंगे, ऐसी उम्मीद थी। उस सब उम्मीदों पे पानी पी, उन्होंने कहा कि अंधेरा कर दो। अरे जीवन में वैसे ही पहले से ही अंधेरा आ चुका है, लोग संकट से घबराए हुए हैं, कल क्या होगा किसको पता नहीं, घर में अनाज नहीं है, आधे भारत के घर में अनाज नहीं है, उसका क्या होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोले। बोले क्या तो बोले अंधेरा कर दो और टॉर्च चला। मूर्ख है क्या भारत के लोग, मूर्ख समझते हो उनको? मैं आज कह रहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं दिए नहीं जलाऊंगा, मैं काम कर रहा हूं लोगों के लिए। अगर उस दिए का 2 रुपया भी मैं किसी गरीब के घर को देता हूं तो उसका सहारा बन जाता हूं, मुझे लोगों का सहारा बनना है। मैं दिए के तेल से देश की राष्ट्रीय संपत्ति खर्च नहीं करूंगा, मुझे देश बचाना है और उसके लिए काम करूंगा। बस हुआ। हर संकट का भी अगर आप इवेंट बनाना चाहोगे तो क्या देश को मूर्ख समझते हो? मैं मूर्ख नहीं है, आप अपना सोच लीजिए। महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर मंत्री नितिन राउत ने तो आगे बढ़कर ये कह दिया, ऐसा करने से देश में अचानक बिजली का संकट भी पैदा हो सकता है, और अन्य कई लोगों ने इस संबंध में अपने विचार रखे थे। उसके बाद मोदी सरकार शायद जागी है, उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ लाइट स्विच ऑफ करें, घर में एसी चल रही हो, टेलीविजन चल रहा हो या आपकी फ्रिज चल रही हो, उसको बंद मत करिए। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं नितिन राउत ने जो बयान दिया था महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने, उनकी चिंता सही साबित हो रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान को मैं अंधविश्वास से जोड़कर देख रहा हूं, क्योंकि अंधविश्वास से जोड़कर इसलिए देख रहा हूं, आप देख लीजिए व्हाट्सएप में या फेसबुक में जितने लोग भी मोदी समर्थक हैं उनके अलग अलग तर्क हैं। यदि आपने बोला कि ये गलत है, दिया बत्ती हम नहीं जलाएंगे, तो लोग तर्क देने किस प्रकार से आ रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय से होगा ये कि इतने सारे लोग लाइट बंद करेंगे तो बिजली की जो खपत है एकदम से कम हो जाएगी, मतलब ऊर्जा बचेगी, बिजली बचेगी, यह तर्क दे रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें, एकदम से बिजली की खपत कम होना भी यह गलत है। हो सकता है कि पावर स्टेशन ट्रिप भी हो सकते हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं। यदि एक्सपर्ट नहीं कहते तो मोदी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन नहीं आती कि स्ट्रीट लाइट चालू रहेंगे, कि आप अपने घर के जितने भी विद्युत उपकरण हैं वो बंद मत कीजिए, वो चालू रहने दीजिए, केवल जो आपकी लाइट है उसका पावर ऑफ करना है। तो सारे हमने पूरी बिजली ही बंद कर दी, घर का हमें स्विच ऑफ बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के लोग इतने दीवाने हैं देश के प्रधानमंत्री के, वो बोलते हैं घंटा घंटी ताली थाली घर में खड़े होके बजाओ, तो लोग निकल जाते हैं सड़कों पे, लोग निकाल लेते हैं जुलूस, लोग करते हैं रैली और ऐसा बोलते हैं भाग करो ना, भाग करो ना, भाग करो ना, इस प्रकार की बातें करते हैं। दोस्तों, कॉमेडी उत्पन्न हो जाती है, एक त्यौहार बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है, मजाक किया जाता है ऐसी महामारी से जिसके कारण आज पूरी दुनिया परेशान है। आज भारत के अंदर भी वो महामारी अपना भयावह रूप दिखा रही है। इसके प्रधानमंत्री और सरकार कहीं ना कहीं जागी है, कहीं मेरे इस आह्वान के कारण लोग बिजली का मेन स्विच ऑफ बंद ना कर दे, लोग मेन स्ट्रीट लाइट बंद ना कर।
पता लगे मैंने कहा कुछ, लोगों ने कर दिया कुछ। दोस्तों कुछ इस प्रकार की बातें हमारे सामने आ रही। वही मैंने अंधविश्वास कहा तो इसका आधार है। आधार इसलिए कि सोशल मीडिया में जिस प्रकार से लोग अगर बिजली बचत की बात कर रहे हैं, वही अंधविश्वास से जोड़ के देख रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ लोग इस प्रकार की पोस्ट चला रहे हैं कि अमावस्या की पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा ये सारी चीज़ें जोड़ के देख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र ये भी जोड़ के देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि उन्होंने संडे का दिन ही क्यों चुना, बोल रहे हैं उन्होंने 5 तारीख ही क्यों चुना, 9 बजे का समय क्यों चुना, 9 मिनट का समय क्यों चुना, 9 अंक क्यों चुना, या पूर्णिमा जो है नज़दीक है इसलिए 5 तारीख का दिन ही चुना, मतलब मोदी जी जो है चुना, इसके पीछे ये राज है वो राज है। कहीं ना कहीं दोस्त इसको ज्योतिष और तंत्र और मंत्र और टोटके और जादू टोने से भी देखकर अपनी पोस्ट कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा करने से जो कोरोना है वो भाग जाएगा। जिस बात का डर है वही बात हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की सलाह आखिर कौन दे रहा है? यह समय जो है इवेंट करने का नहीं है, यह समय जो है इस महामारी से कैसे निपटा जाए इस बात का है। इस प्रकार के लोग कुछ अंधविश्वास भरी पोस्ट चला रहे हैं और लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं। कार से काम करने से, दिए जलाने से, बत्ती जलाने से जो कोरोना है वो खत्म हो जाएगा, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार की जो तर्क आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तर्क आ रहे हैं उस तर्क से आप क्या समझ रहे हैं? क्या सही में कुछ इस प्रकार के टोटके करने से बीमारियां दूर होती हैं? भारत के अंदर में तो रोज हर घर में दिए बत्ती जलते हैं, तो जहां दिए बत्ती जलते हैं कहीं मोमबत्ती जलती है, क्या वहां पे कोई रोग या कोई ऐसे जीवाणु उत्पन्न नहीं होते? दोस्तों इस प्रकार की जो बातें करना, आपकी आस्था एक अलग चीज है। आप अपनी आस्था प्रदर्शित करने के लिए, आप अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए आप अगर मोमबत्ती जलाते हैं, दिए जलाते हैं, उसका एक अलग महत्व हो सकता है। लेकिन आप ये कहें कि हम दिए और मोमबत्ती जलाएंगे तो इससे बड़ी भयानक जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। यदि खत्म हो जाएगी तो जो WHO है या जो विश्व के जो विभिन्न डॉक्टर साइंटिस्ट हैं या हमारे देश के डॉक्टर साइंटिस्ट हैं, आप उनको जाके सलाह दीजिए, इतनी मत्थापच्ची मत कीजिए। आप अपना जीवन खतरे में डालकर जो ऐसे रोगी हैं जो कोरोना से पॉजिटिव हैं उनके बीच में मत जाइए। आप इसी प्रकार के टोटके कीजिए, आप दिया अगरबत्ती वहां जला दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए, कोरोना भाग जाएगा। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि दिए और मोमबत्ती जलाने से कोरोना भाग जाएगा। आज आप देख लीजिएगा रात को क्या होने वाला है। मोदी जी ने आह्वान तो कर दिया है कि आप अपने घर में रहकर जलाइएगा, अपनी बालकनी में जलाइएगा, अपने आंगन में जलाइएगा, लेकिन आप देख लेना रात को तमाशा हो जाएगा। लोग देख लेना, रैली तो नहीं निकालेंगे, मुझे यकीन है, इस बार समझाया उन्होंने बार बार, लेकिन मोहल्ले में भीड़ दिखेगी आपको। ऐसा लगेगा कोई पर्व मना रहे हैं हम, ऐसा लगे कोई त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन आप उनसे जाकर पूछिए जिनके घर में खाना नहीं है। आप उनसे जाकर पूछिए जो लाखों की तादाद में दिल्ली से 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करके, 500 किलोमीटर की दूरी तय करके कोई महाराष्ट्र गया, कोई यूपी गया, कोई बिहार गया, कोई झारखंड गया, कोई अलग प्रदेशों में जो लोग गए, आप उनके घर में जाकर पूछिए कि आपके यहाँ जो लोग दिल्ली से वापस आए थे या अन्य जगह से वापस आए थे वो कहाँ हैं, या अन्य राज्यों में उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया हो। आप जाकर उनसे पूछिए कि आपके घर में रोटी है, तो दिया जलाने से अगर उनके घर में रोटी पहुंच जाएगी, यदि उनके घर में उजाला हो जाएगा, तो रोज दिए जलाना चाहिए। इस देश में भुखमरी गरीबी तो बहुत पड़ी है। ये आपकी धार्मिक मान्यताएं, मैं बार बार कहता हूं, उसको अपने परिवार तक, अपने घर तक रखना चाहिए, उसे अपने धर्म स्थलों तक रखना चाहिए। और खासकर जो सरकार है उसका धर्म यह होता है देश की सेवा करना, देश की जनता का कल्याण कैसे किया जाए। सरकार का जो धर्म ग्रंथ होता है भारतीय संविधान होता है। सरकार खुद, नरेंद्र मोदी साहब ने खुद संसद में कहा था कि मेरी सरकार का एक ही ग्रंथ है, संविधान। जब देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं, तो संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51 जिसमें लिखा है, भारत के संविधान भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर
अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम भारतीयों का भारत का नागरिक होने के नाते अंधविश्वासों को समाज से निकाल फेंकना हमारा मूल कर्तव्य है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतीय संविधान कह रहा, भारतीय संविधान का जो मूल कर्तव्य है वो कह रहे हैं, उसमें उल्लेखित है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद की जानकारी नहीं है? मेरे समझ से ये परे है कि देश के प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की सलाह आखिर कौन दे रहा है। इसके कारण देश की जनता में भ्रम फैल रहा है और जो लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं उनके हौसले और बुलंद हो रहे हैं और वह लोग अंधविश्वासी पोस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ताली थाली और दिया बत्ती जलाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कोरोना से हमें बचाव करना है। तो उसके लिए हमारे डॉक्टरों को, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को जो सुरक्षा उपकरण हैं या इस बीमारी से लड़ने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जब तक सरकार वो प्रोवाइड नहीं करेगी, जब तक सरकार वो मुहैया नहीं करवाएगी, तब तक हम कोरोना से या कोरोना की जो जंग है उसमें हम कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बयान जारी किया, आइए पहले हम वो सुनते हैं। कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा किट की व्यवस्था नहीं पहुंची। जब जंग होती है तब सारा देश एकजुट होकर अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के इस जंग में हमारे देश के डॉक्टर, नर्स, अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन और तमाम कर्मचारी हमारे सिपाही हैं। अपनी जान पर खेलकर वे हमारे लिए लड़ रहे हैं। उनका साथ देना हम सबका कर्तव्य है। सरकार से मैं आग्रह करती हूँ, हर तरह की मदद और हर तरह की सुविधा इन्हें दी जाए। इस संकट के समय में इनको सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। देश के हित में और देश की सुरक्षा के लिए इसे पूरी तरह से निभाया जाए। उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य कर्मी है, नर्स, उन्होंने सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाया। यह वीडियो आप देख, आज रात को तो आप बत्ती जलाने वाले हैं, लेकिन इन नर्सों के जो दुखड़ा है वो सुन लीजिए आप। आज बांदा राजकीय मेडिकल कॉलेज में 3 दिन से आउटसोर्सिंग का जो है मांगों को लेकर जो है कार्य बहिष्कार किया गया है कि ऐसी महामारी में आइसोलेट वार्ड पर ड्यूटी लगाई गई है उसमें जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब से सबने मांग करी है कि किट्स की, सैनिटाइजर की, ग्लव्स की, मास्क की ये प्रोवाइड की जाए, तब हम ड्यूटी करेंगे। और उसमें जो है प्रिंसिपल साहब जो है हमने मांग रखी है, तो उसमें प्रिंसिपल साहब जो है हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया, उससे लेके हम वार्तालाप करने गए हैं तो हमें बेइज्जती करके भगा दिया कि यहाँ से चले जाओ नहीं मैं हाथ पैर तुड़वा दूंगा। और ये योगी जी का आदेश आया है आप लोग को निकालने का। अब इसमें ये बताइए, एक तो हमारी सैलरी कम कर ली गई है, जो हमारी सैलरी 20,390 थी उसमें हमें 10,000 दिया जा रहा है, कोई शासन आदेश नहीं आया है सैलरी कम करने का। और जो हमारे अकाउंट में आई हुई है वो सैलरी कम कर दी गई है, हमारे फार्मासिस्ट की सैलरी कम कर दी गई है। अब